आपका स्वागत है एनिमेज व्यू में। और आज हम जिसपे रिएक्शन करने वाले हैं, ये एक मूवी ट्रेलर है जिसपे आज हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट आई वुड से कि बहुत ही ज्यादा अच्छी मूवी थी, बहुत ही ज्यादा एक आई वुड से कि यंगस्टर लाइफ के रिगार्डिंग मूवी थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, बहुत ही नेक्स्ट लेवल ऑफ एक कॉमेडी बनाई थी, नेक्स्ट लेवल ऑफ सस्पेंस बनाया था, बहुत ही अच्छी मूवी थी। आई थिंक आप सबको आइडिया मिल गया होगा, मैं फुकरे 3 के बारे में बात कर रही हूँ। एंड दिस मूवी जब पहली बार आई थी, इसमें एक पूरी जर्नी दिखाई थी कि कैसे एक यंग बच्चे से हमारा कैसा माइंडसेट होता है, एंड सब स्पेशली जो 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 कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, कैसे उस कैरेक्टर की अपलिफ्टमेंट हुई है। आई वुड से कि कैरेक्टर की अपलिफ्टमेंट तो नहीं हुई है, बट बहुत ज़्यादा कॉमेडी वो मूवी थी, बहुत ही अच्छी मूवी थी। सो आज हम उस पर उसकी मूवी ट्रेलर पे आज हम रिएक्शन करने वाले हैं, एंड लेट्स सी कि किस टाइप की इसमें स्टोरी अप होने वाली है, भोली पंजाबन का क्या कहानी होने वाला है। सो ज्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को यहीं पर हम स्टार्ट करते हैं। इस साल तुम दोनों की हैट्रिक होने वाली है फेल होने की, तुम कॉलेज जाने की सोच रहे हो और मैं ये सोच रहा हूँ। ये फर्स्ट सीन था, और अब मैं चाहूंगा कि दिलीप सिंह जी दो शब्द कहें। स्कूल ने हमने बगैर मुझे इतना कुछ दिया है कि हम 7 जन्मों तक स्कूल का कर्ज माफ नहीं कर पाए। भले ही स्कूल के टॉयलेट में पानी नहीं होता था, लेकिन पत्थर जरूर होते थे, और उसी पत्थर से हनी भाई मेरी और मैं हनी भाई की रगड़ रगड़ के साफ कर लिया करते थे। याद है एक बारी तेरी छिलकी थी, कुछ तो बोल 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 कब तक इसे अपने लंगोर से बांध के रखेगा, एक ना एक दिन तो चील चूजे को उड़ा के ले जाएगी। अमृत सरदार जी अब फिर से चाचा बन गए, आपके घर गॉड का नया गिफ्ट पैदा हुआ है। सपना और डेजा चू का डंडा मुश्किल से हजम हुआ था, अब ये मतलब इस चूचे का मूत मूत भी बारूद है। मतलब कुछ भी बोलो, जो जो उसमें चूचा का जो कैरेक्टर होता है, इट्स लाइक मतलब क्या बताऊं। आई थिंक फुकरे मूवी जो मतलब आई वुड से कि जो चली है, जो जो मेन कैरेक्टर है वो एक्चुअली में चूचा ही होता है जिसका मेन कैरेक्टर है, क्योंकि उसी की वजह से ही हमें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, काफी फनी चीजें के रिगार्डिंग, या तो वो बहुत ही ज्यादा ऐसे सवाल पूछता है जिसका सर और पैर नहीं होता है। सो ये मूवी जो थी काफी इंटरेस्टिंग मूवी थी, हमने फुकरे 1 देखी थी, फुकरे 1 की एक बहुत ही डिफरेंट स्टोरी लाइनिंग थी, फुकरे 2 की बहुत डिफरेंट स्टोरी लाइनिंग थी, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि फुकरे 3 की भी बहुत ज्यादा प्रिटी लाइन स्टोरी बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होने वाली है। एंड उसमें ये भी हो सकता है कि इसमें शायद इसमें राइवलरी दिखाए प्रॉपर तरीके से भोली पंजाबन के साथ, मे भी हो सकता है कि ये शायद उसका एक कैरेक्टर डेवलपमेंट हो, या फिर कैरेक्टर को इस तरीके से पोर्ट्रे, क्योंकि वो हमेशा इन द एंड ऑफ द डे जाके
हमेशा साथ देती थी, बट आई डोंट थिंक सो कि इस वाले कैरेक्टर में कुछ होने वाला है। बट जो भी बोलो, स्टोरी फुकरे एक 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 ऐसी मूवी है कि जो कॉमेडी है लेकिन उसने कभी भी डिसअपॉइंटिंग नहीं हुई, क्योंकि हमें अभी तक बहुत सारे जिसके सीक्वल्स बने हैं वो बहुत गंदी तरीके से पिटे भी है काफी ज्यादा, लेकिन फुकरे 1 भी अच्छी चली थी, फुकरे 2 भी अच्छी हुई है, आई एम प्रीटी श्योर शायद फुकरे 3 भी अच्छी होगी। बट हाँ, आई थिंक इसमें जफर नहीं है तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो एक मिसिंग पार्ट है, जो शायद ये भी हो सकते कि शायद वो एंड में दिखाए या फिर कोई सरप्राइजिंग स्टोरी हो इसके पीछे की, तो वी डोंट नो, बट लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट करेंगे जब ये मूवी रिलीज होगी। एंड इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर हम एंड करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा रिएक्शन अच्छा लगा, प्लीज गाइस लाइक और सब्सक्राइब करो, और आप मुझे कॉमेंट सेक्शन पर लिख के जरूर बताओ कि आप लोगों को मेरा रिएक्शन कैसा लगा।